इम्पोर्ट बैन है और इम्पोर्ट बैन होने का पूरा पूरा फायदा जो है वो स्टॉक माफिया इस वक्त जो है पाकिस्तान में उठा रहा है। सोलर पैनल की परचेजिंग के हवाले से ये है कि आप लोग जितना जल्दी हो सकता है आप सोलर पैनल्स को परचेज करके रख लें। जितनी ज्यादा कंपनीज पाकिस्तान में आएंगी कंपटीशन उतना ज्यादा होगा और प्राइसेस एंड यूजर परचेजर को उतनी ज्यादा कम मिलेंगी। आप लोग अगर 5 से 7 हजार रुपए बचाने की खातिर अगर आपने विदाउट डॉक्यूमेंट्री वाला पैनल ले लिया है तो उसका आपको फ्यूचर में ये लॉस होने वाला है कि उसकी एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी और एफिशिएंसी डिक्रीज होने के बाद जो है वो क्लेम भी नहीं होगा। क्या सोलर पैनल्स की फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाली हैं? जो इस वक्त सिनेरियो चल रहे हैं, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो सोलर इंडस्ट्री के खास तौर पे के मार्केट में स्टॉक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं आकाश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक स्किल्स। आज मेरे पास आए हैं इम्तियाज भाई द एक्सपर्ट सॉल्यूशन की तरफ से। आप लोग इसकी वीडियो जरूर यूट्यूब पे देखेंगे अक्सर, तो ये द एक्सपर्ट सॉल्यूशन के नाम पे इसका चैनल है। ये आज मेरे पास आए हैं सोलर पैनल के रेट के बारे में, तो आज के रेट हम जानेंगे कि सोलर पैनल का रेट आजकल क्या चल रहे हैं और आप लोगों ने कौन से सोलर पैनल इंस्टॉल करने होंगे, तो आइए आज की वीडियो में इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि इलेक्ट्रिक स्किल्स जो वकास साहब हैं इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेहनत कर रहे हैं सोलर सिस्टम के रिलेटेड जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते होते हैं। अब पहली बात यह है कि सोलर पैनल की प्राइसेस के हवाले से कि सोलर पैनल की प्राइसेस आजकल दिन ब दिन बढ़ रही हैं। तकरीबन कोई आजकल 135 रुपए पर वाट से लेके 140 रुपए पर वाट में जो प्राइसेस हैं वो रिटेल हो रही हैं। सोलर पैनल की जो कंपनीज हैं, कौन सी कंपनीज मैं रिकमेंड करता होता हूँ आपसे भी मैं पूछूंगा खासतौर पर कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स पे कौन से सोलर पैनल जो है इंस्टॉल करते रहते हैं। तो सोलर पैनल की जो ए ग्रेड टीयर वन के ब्रांड में है जैसे कि लॉन्जी है, कैनेडियन है, जिनको है, जे है, इनवरेक्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज जो है वो पाकिस्तान में आ रही हैं। प्राइसेस बढ़ने की वजह क्या है कि प्राइसेस आजकल बढ़ क्यों रही हैं? एक तो ये है कि सोलर पैनल्स की शॉर्टेज भी है और शॉर्टेज इन दैट सेंस है कि पैनल मौजूद है लेकिन क्या है कि डॉलर की प्राइस बढ़ने की वजह से लोगों ने काफी ज्यादा उसका स्टॉक किया हुआ है। मार्केट में उतना ही पैनल आ रहा है जितनी की उसकी डिमांड है और डिमांड के हवाले से ही जो है जितनी ज्यादा डिमांड होगी प्राइसेस उसी वजह से दिन ब दिन बढ़ रही हैं। अब डॉलर इस वक्त जो है तकरीबन कोई 280 रुपीस पे जा चुका है इस वक्त जो आजकल जो उसके डॉलर के रेट चल रहा है, तो डॉलर की वजह से भी किसी हद तक सोलर पैनल की प्राइसेस बढ़ रही है। सोलर पैनल एक मेन कंपोनेंट होता है किसी भी सोलर सिस्टम के लिए क्योंकि सबसे ज्यादा कॉस्ट जो है आप सोलर पैनल में ही इन्वेस्ट कर रहे होते हो। आजकल चूंकि जो बिजली के हालात चल रहे हैं सोलर सिस्टम जो है वो हर घर की जरूरत बनता जा रहा है, तो सोलर सिस्टम की प्राइसेस के हवाले से ये है कि 135 रुपए पर वाट से 140 रुपए पर वाट तक इस वक्त है। जो फेमस कंपनीज हैं जैसे कि लॉजी, जिनको कैनेडियन, जे, जोनिक, इनवरेक्स, इस तरह की कंपनीज है, लेकिन मेरे जो आपके व्यूवर्स हैं खास तौर पर और बाकी जो मेरे देखने वाले व्यूवर्स हैं, अब मैं आप लोगों को जो है वो रिकमेंड करता हूँ कि अब आप लोग ब्रांड के पीछे ना भागें। जो ब्रांड के पीछे हम जा रहे हैं तो उस वजह से भी आप लोगों को प्राइसेस जो है वो दिन ब दिन ज्यादा मिल रही है। बस ये है कि जो पैनल है वो ए ग्रेड का होना चाहिए और टीयर वन ब्रांड का होना चाहिए, बस ये चीज जो है वो अहमियत रखती है। अब सोलर पैनल जो है जैसे कि लॉन्जी के मैंने बताए हैं, कैनेडियन के मैंने आपको बताए हैं, जिनको के सोलर पैनल्स मैंने आपको बताए, तो इनमें जो खास तौर पर बात यह है कि इनकी एफिशिएंसी आप लोगों को ज्यादा मिलती है, लेकिन अगर जो भी ए ग्रेड का पैनल हो वो टीयर वन ब्रांड का पैनल हो तो वो 10+25 ईयर्स तक होता ही है। अब 10+25 ईयर्स वारंटी में क्या चीज है कि 10 ईयर्स तो उसकी प्रोडक्ट वारंटी होती है, मतलब कि पैनल की आपकी एफिशिएंसी के साथ साथ जो है प्रोडक्ट आपकी कहीं से भी इसकी लीकेज वगैरह नहीं होने वाली, कहीं से पैनल जो है वो खुलेगा नहीं, पैनल की एफिशिएंसी भी ठीक रहती है। और 25 साल का मतलब ये है कि वो 1% तक एफिशिएंसी को डिक्रीज कर रहा होता है। अब हमें इस सिनेरियो में आजकल करना क्या चाहिए सोलर पैनल की परचेजिंग के हवाले से? खास तौर पे सोलर पैनल की परचेजिंग के हवाले से ये है कि आप लोग जितना जल्दी हो सकता है आप सोलर पैनल्स को परचेज करके रख लें और बाकी बजट आप लोगों के पास जैसा है तो बाकी कंपोनेंट जैसे कि सोलर इन्वर्टर है और बाकी चीजें जो है वो आप इसमें ऐड ऑन करें। सोलर पैनल आजकल जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, एलसीज इस वक्त जो है वो क्लोज है, एलसीज ओपन नहीं हो रही, इम्पोर्ट बैन है और इम्पोर्ट बैन होने का पूरा पूरा फायदा जो है वो स्टॉक माफिया इस वक्त जो है पाकिस्तान में उठा रहा है और सोलर पैनल की प्राइसेस इस वक्त जो 85-90 रुपीस पर वॉट में रिटेल हो रही थी इस वक्त उसकी जो प्राइस है वो 130 रुपए, 135 से 140 रुपए पर वॉट में रिटेल हो रही है।
बहुत सारी कंपनी जो नई आ रही हैं और ये एक अच्छी चीज है, जितनी ज्यादा कंपनीज पाकिस्तान में आएंगी कंपटीशन उतना ज्यादा होगा और प्राइसेस एंड यूजर परचेजर को उतनी ज्यादा कम मिलेंगी। अब जो सोलर सिस्टम है खास तौर पे डिजाइन कैसे करवाना चाहिए, सोलर सिस्टम में आप लोग जो है अपनी अप्लायंसेस को देखें पहले तो कि आप लोगों ने कौन कौन सी अप्लायंसेस चलानी है, कितने पंखे हैं, लाइट्स हैं, एसी चलाना है, वॉशिंग मशीन है, इस तरह की और चीजें हैं, तो उसी हिसाब से आप सोलर सिस्टम जो है वो डिजाइन करवाएं। हमेशा ए ग्रेड के पैनल लें, टियर वन के ब्रांड के पैनल लें और डॉक्यूमेंटेशन वाले पैनल लें। एक होते हैं कि विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, अब विदाउट डॉक्यूमेंटेशन में क्या है कि कुछ लोगों जो है वो ये कह रहे होते हैं आप लोगों को कि ये विदाउट डॉक्यूमेंट है, टैक्स से बचने के लिए जो है इसकी प्राइस कम है, लेकिन वो होता बी ग्रेड का पैनल। हमेशा जो ए ग्रेड का पैनल है जिसकी एसजीएस रिपोर्ट है, फ्लैश रिपोर्ट है उसकी, टेस्टिंग रिपोर्ट है उसकी, वो वाला पैनल लें आप। उसका फायदा आप लोगों को क्या होने वाला है, आप लोग अगर 5 से 7 हजार रुपए बचाने की खातिर अगर आपने विदाउट डॉक्यूमेंट्री वाला पैनल ले लिया है तो उसका आपको फ्यूचर में ये लॉस होने वाला है कि उसकी एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी और एफिशिएंसी डिक्रीज होने के बाद जो है वो क्लेम भी नहीं होगा, ना तो वो दुकानदार आपको क्लेम करके देगा और ना ही उसकी एफिशिएंसी आप लोगों को बेहतर मिलेगी और आप लोगों का लाखों रुपए का उल्टा नुकसान होगा। तो इसी लिहाज से आप सोलर पैनल को जो है वो डिसाइड करें, सोलर पैनल की प्राइसेस क्या कम होने वाली हैं। काफी दोस्तों के ये भी क्वेश्चंस होते हैं, मुझ तक भी आ रहे होते हैं, आप तक भी आ रहे होंगे कि क्या सोलर पैनल की फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाली हैं। जो इस वक्त सिनेरियो चल रहे हैं, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो सोलर इंडस्ट्री के खास तौर पे कि मार्केट में स्टॉक नहीं है, इन्वर्टर्स का खास तौर पे कंपनीज के पास स्टॉक खत्म है और उस स्टॉक खत्म होने का फायदा जो है कुछ रिटेलर और कुछ शॉपकीपर जो है वो अच्छा खासा उठा रहे हैं कि एक अगर 1.5 किलोवाट का भी सोलर इन्वर्टर है तो उसको वो 15 से 20 हजार रुपए ओवर चार्ज करके सेल कर रहे हैं। तो ये है कि जो सोलर इन्वर्टर के हवाले से जो शॉर्टेज है वो तो खत्म हो जाएगी, वो तो अभी कोई 10-15 दिन तक जो है वो स्टॉक हर कंपनी का आना शुरू हो जाएगा, लेकिन क्या उनकी प्राइसेस कम होगी, प्राइसेस कम होने वाला चांस नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो डॉलर, जहां तक प्रिडिक्शन लग रही है कि डॉलर 300 से भी ऊपर जाने वाला है, अगर 300 से ऊपर जाएगा तो टैक्स दर टैक्स लगेगा और सोलर इन्वर्टर की प्राइसेस में भी के और बढ़ेंगी ना कि कम होगी। तो जो जितना जल्दी सोलर सिस्टम लगवा लेगा वो उतना ज्यादा फायदा मिल जाएगा। तो ये थी तमाम तर डिटेल, आई होप सो कि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। वकास भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियोज भी सोलर सिस्टम के हवाले से इन्फॉर्मेटिव होती है। इनसे इनकी शॉप भी है बरदान में, हाजी गुल प्लाजा में है इनकी शॉप, आप इनके पास क्यूरीज वगैरह अपनी लेके हैं सोलर सिस्टम लगवाने के हवाले से। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।